देखिए हम लोग का कितना बेघर कर दिया। हम लोग पहले तो ये घर द्वार सब तोड़ गया, रोज रोज कहते भाग घोसड़ी के, यहाँ से भाग, बताइए कहाँ जाए हम लोग। संत साधु समाज के परिवार से हम आके मिल रहे थे तो देखिए, अरे अरे मत दिखाई मत दिखाई मत दिखाई। हम लोग विरोध नहीं है मंदिर के लिए, हम लोग तो खुश है, बाकी इसलिए हम लोग उजार क्यों रहे हैं भाई? हम लोग का भगवान से कोई नफरत नहीं है। उनको माई जला हुआ था, उसी में गाली बकरे के साले पुलिस लोग भागिए भागो, जल्दी लेके भागो, जल्दी लेके भागो। हम लोग सरकार से बहुत खुश है, राम राम मंदिर बना दिया, सबसे बड़ा धन ला दिया, इस पर बहुत खुश है। बाकी गरीबों का भी देखो, ऐसे ना देखो। देखिए इतना इतना छोटे छोटे बच्चे लेकर के ये देखिए रह रहे हैं, कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं बच्चा बच्चा। इस वक्त हम अयोध्या धाम पे हैं और इसी बीच एक तरफ राम मंदिर बनने की खुशी है तो कुछ लोग पुलिस प्रशासन से दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? संत साधु समाज यहाँ का रहने वाला वो प्रशासन से थोड़ा दुखी है। थोड़ा बात कर लिया जाए कि क्या है, क्या वजह हैं और किस तरीके से ये लोग रह रहे हैं। ये दिखा दीजिए, ये छोटी सी आपको ये दिख रहा होगा, इसी में रहना है। बगल में भक्ति मार्ग भी आपको दिख रहा होगा, उधर दिखा दीजिए सर, ये सूर्य स्तंभ भी आपको दिख रहा होगा, ये भक्ति मार्ग है अयोध्या का। और उसके जस्ट बगल में ये घर में ऐसा छोटा सा घर है और इसमें पूरा परिवार रह रहा है। थोड़ा बातचीत करेंगे कि इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या चीज़ें हैं और क्यों इनको ऐसी चीज़ें सामना करना पड़ रहा है। थोड़ा सा ये आ जाइए सर। महाराज पहले उनको देख लिया जाए, माता को जर गई है, माता माता को पहले देख लियो, बाद में जर गई है बेचारी। हम लोग के घर द्वार हुआ पहा सब। क्या नाम है? पिंकी नाम है। अच्छा, तो क्या मतलब क्या समस्या? हम लोग के घर द्वार तोड़ दिए गया। अच्छा, जब ये सब नया बना तो उसका तोड़ दिया गया। हाँ, तोड़ दिया गया। अयोध्या की रहने वाले? हम अयोध्या के रहने वाले, हमारे राशन कार्ड है, हमारा आधार कार्ड है, सब कुछ हुआ है यहाँ के। हम लोग वोट देते हैं, सब कुछ हम लोग है। बताइए महतारी जरी हुई है, बताइए कहाँ लेके जाए, वहाँ घर द्वार है, वहाँ चलिए देखिए, वहाँ घर द्वार है सब। हाँ, आगे घट हुआ। उसका कोई मुआवजा या नहीं कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। हम लोग रोज भगा रहे, रोज गाली दे रहे, हम लोग रोज कह रहे भागो भागो। हम लोग इस जगह आके रह रहे, बताइए दूसरे के घर में। हम लोग का वहाँ टूटा है, वहाँ टूटा है, चलिए देखिए। मंदिर है हम लोग का छोटा सा। अच्छा, ये मंदिर भी था उधर, उधर मंदिर भी था और ये टूट गया है। उसके बगल में हम लोग रहते थे, मंदिर बना, वहाँ चलिए, वहाँ देखिए, वहाँ चलिए देखिए। भाई जहाँ रहते वहाँ दिखाएंगे। ये देखिए कैसे गुजर बसर हो रहा है। जिस तरीके से साधु संत समाज की बात जब आती है तो तमाम आस्था पे बात रहती कि आस्था है ये सब चीजें। ये देखो महाराज, यहां आ देखो, नहीं नहीं सट गया है। तो संत साधु समाज के परिवार से हम आके मिल रहे थे तो देखिए, अरे अरे मत दिखाई मत दिखाई मत दिखाई। हाँ, तो देखिए वो देखने वाली स्थिति नहीं है और किस तरीके से एक संत समाज का परिवार आज इस परेशानी में है। परेशानी ये है साहब कि जब ये भक्ति मार्ग बना या सब चीज़ें हुई, विकसित अयोध्या की बात सब करते हैं लेकिन जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो दुख होता है कि संत समाज की जब हम बात कर रहे हैं तो संत समाज अगर दुखी हो ना साहब तो बड़ा दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है। और ख़ासकर ऐसे संत समाज के लोग, क्या नाम है सर, पहले थोड़ा नाम बता दीजिए। बाबा इनका गणेश दास, बोलो बाबा गणेश दास। गणेश दास नाम है मेरा। अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप लोग यही मंदिर में कार्यरत हैं या कहीं यहीं पे पूजा उजा मंदिर? नहीं, नहीं, वो सामने मंदिर बनाए हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो देखिए किस तरीके से, थोड़ा सा इधर इधर भी दिखा दीजिए, देखिए किस तरीके से ये परिवार गुजर बसर कर रहा है। अभी हम अयोध्या में आए थे, अयोध्या धाम की खूबसूरती के। राशन कार्ड, ये आधार कार्ड है माता जी के, ये बाबा का है, ये मेरा राशन कार्ड है, आधार कार्ड है। और ये देखिए अयोध्या, इनका पूरा पता भी दिख गया है। इतना सब होने के बावजूद पुलिस प्रशासन यहाँ पे इनको भगा रहा है वहाँ से और ये लोग इतने परेशान हैं कि आप मानिए जिस तरीके से ये दिखा रहे हैं। देखिए सब पूरा आधार कार्ड, यहाँ का राशन कार्ड, ये सब चीज़ें हैं, गाली बोलता है। तो ये संत समाज आज यहाँ पे दुखी है और वाकई में जिस तरीके से हम अयोध्या की बात करते हैं, अगर यहाँ के संत समाज के लोग इतने दुखी हैं, ये तो अच्छी चीज़ है कि यहाँ के लोग समझने वाले हैं, बोल बताने वाले हैं। थोड़ा मंदिर भी दिखाया जाए कि यहाँ पे इनका मंदिर था, छोटा सा मंदिर था और जब ये सब बना उसके बाद ये सब टूट गया, अब ये कैसे रह रहे हैं बाबा जी? इतना सब होने के बाद ऐसे रहना पड़ रहा है जी, अब क्या करें, किसी से मांगे हैं तब रह रहे हैं। अच्छा, ये तो आपका नहीं है? नहीं, हमारा तो वहाँ पे है जहाँ बना था। अच्छा, वहाँ पे है, इस वजह से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो रोज भगाते थे, कहते थे भागो यहाँ से, कहाँ जाए बताइए। चार आदमी उनको मिलके हम लोग लेके आए हैं, बताइए कहाँ जाए हम लोग, बताइए। रोज गाली देते, पुलिस प्रशासन से नहीं कहा कि वही लोग आए थे भगा रहे थे? एक दिन आधार लेके गए, भगाओ भर साले भागो, आधार लेके एक दिन आए, आधार लिए, नाम लिखे सबको और दूसरे दिन गिराने के गाली भी
देते हैं। हाँ, गाली भी देते हैं लोग। ये देखिए पुलिस प्रशासन की ये करतूत है वाकई में। जिस तरीके से हम अयोध्या धाम की बात करते हैं, लेकिन इस परिवार इतना दुखी मुझे दिख रहा है, इतनी तकलीफ में है, लेकिन उनके घर का पूरा हम लोग का कितना बेघर कर दिया। हम लोग पहले तो ये घर द्वार सब तोड़ गया, रोज रोज कहते भाग घोसड़ी के यहाँ से भाग, बताइए कहाँ जाए हम लोग। तो देखिए ऐसी स्थिति है, हम थोड़ा इधर भी दिखा देते हैं। ये आगे सर एकदम चलिए ना, ये तो वॉइस ये सब टूटा है घर। अच्छा, यहाँ पे इनका घर था। हाँ, और ये जब अच्छा ये कब हुआ, ये सब चीजें कब हुई हैं, ये सब चीजें ये तोड़ी गई हैं, ये जब बनाने लगे सब कुछ हो तभी हुआ है। आप लोगों ने उस समय विरोध किया था? अरे बहुत ज्यादा, हम लोग कुछ नहीं बोल पाते थे, गाली बकने लगते थे, कुछ भगा दिया। हम लोग कुछ दिन यहाँ सोए हैं, कुछ दिन यहाँ सोए हैं, बताइए। देखिए सामान रखा है मेरा, ये देखिए, ये सामान भी दिखा दीजिए सर, किस सामान से रखा हुआ है, बांस रखा हुआ है, देखिए मंदिर, ये छोटा सा मंदिर था। अच्छा अच्छा, माता जी का घर था, आग लग गया था यहाँ पर, जल्दी जल्दी में वो बना रही थी, बस जल्दी जल्दी किरान वो लोग चला दिए। यानी आप कह सकते हैं पर्दे के उधर एक परिवार जो है, एक तमाम लोग श्रद्धालु आ रहे हैं वो खुश हैं, लेकिन यही अयोध्या के लोग दुखी हैं इस वजह से, क्योंकि इनका घर गिराया गया। ना सिर्फ घर गिराया गया बल्कि इनके साजो सामान यहाँ तक कि गालियाँ की बात भी ये लोग कह रहे हैं कि गाली दी गई। तो बड़ी चीज, आप कहाँ के रहने वाले? हम मुजफ्फरपुर के रहने वाला है सर। हम यहाँ आकर के आलू प्याज देते हैं होटले पुटले में, जनता अपना बिजनेस करते हैं, थोड़ा सा झोपड़ी बना के रहा करते थे, गरीब आदमी है तो गुजारा करते थे, बाले बच्चे तो आया तोड़ फोड़ दिया, गाली गुप्ता भी दिया, सब कुछ दिया था। अब ये साइड होकर के ठंडा में रह रहे हैं रात दिन, इतनी ठंड पड़ रही है चाचा जी, बहुत ज्यादा ठंड है ये घर भैया, इससे ज्यादा यहाँ पड़े थे। इस पर भी रहे तो लगाली पुलिस नहीं, बालों पर नहीं रहने देता है। अब रात में ठंड देखिए, इतना इतना छोटी छोटी बच्चे लेकर के ये देखिए रह रहे हैं, कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं बच्चा बच्चा। किसी से गुहार नहीं कि आप लोगों ने किसको कोई अधिकारी आया तो आपने बात नहीं की? अधिकारी कोई नहीं आया, कोई सुनता ही नहीं है, अधिकारी गाली देता है, कोई नहीं आया, बोल रहा है नगर निगम से बुलाएंगे सामान लदवा ले जाएंगे, सोचे कह रहे थे यहाँ पर धरे थे, तो यहाँ सामान रखा था, बोले नगर निगम को बुलाएंगे सारा सामान लदवा ले जाएंगे। 40 बरस से यहाँ पर बाबा का स्थान था मंदिर में, 40 बरस के बसीना के तोड़ के और सारे गाड़ी वाड़ी देकर भगा दिया यहाँ से। हम लोग तो यहाँ से है, बताइए शादी ब्याह सब कुछ ठीक है, सरकार का जरूरत पड़ा तो अपना काम कर रहा है, बाकी इसको व्यवस्था तो करे की ऐसे ही भगा देगा, मारेगा, पीटेगा, गाली देगा। ये कह रहे हैं की राम मंदिर के लिए रास्ता बनना ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हमारा तोड़ा गया, अगर हमें उसी जगह स्थान पे बगल में कुछ दे दिया होता, चाहे जमीन दी गई होती, चाहे जगह रहने की दी गई होती, तब भी हम रहते, जब भी रहते। हम लोग बिना मंदिर के लिए हम लोग तो खुश है, खुश है। हाँ। बाकी इसलिए हम लोग को उजार क्यों रहे हैं भाई, हम लोग का भगवान से कोई नफरत नहीं है। उनको माई जला हुआ था, उसी में गाली बक रहे साले, पुलिस लोग भागिए भगाओ, जल्दी लेके भागो, जल्दी लेके भागो। हम लोग सरकार से बहुत खुश है, राम मंदिर बना दिया, सबसे बड़ा धन ला दिया, इस पर बहुत खुश है। बाकी गरीबों का भी देखो, ऐसे ना है। हाँ, ये कितना महीने से बाबा पाट रहे थे अपना कि चलो ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यही वो चबूतरा यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, बाबा बनाए इतना मेहनत से बनाए थे, और यहीं पे पूरा परिवार रहता था, लेकिन पूरा परिवार यहाँ पे रहता था, लेकिन जब माँ की ऐसी स्थिति आई, उसके बावजूद जो पुलिस प्रशासन को दया दिखानी चाहिए थी, जो समझना चाहिए था कि अरे साहब आपका भी परिवार है, ये सब चीजें हैं, लेकिन उसी भी कुछ नहीं सुना, कहे चलो तुम लोग सामान निकालो, भूस नहीं निकालोगे तो जीसीपी उसी में लगा दिया, जब तोड़ दिया तब उसमें सामान हम लोग निकाल लेते। मोदी योगी सरकार के भी पास में पहुंच गया था, बोला था मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार ऐसे बाएं बाएं करके गाड़ी में घुस गया, यहीं पहुंचे थे, सामने पहुंच गया था, तो बोले कि यानी ना अधिकारी सुन रहे हैं ना लोग सुन रहे हैं, और यही कहने के लिए हम गए थे, भगा रहे हैं, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, कि सामान लात ले जाएंगे नगर निगम से, बुलाएंगे साली प्लाट ले जाएंगे सारा सामान। तो ये वो परिवार है, बड़ा दुख हुआ ये सुन के, क्योंकि ऐसे भी लोग हमारे अयोध्या धाम में हैं। बताइए हम कैसे, सब कुछ है यहाँ का, सब कुछ पता है, हर चीज है, कार्ड इन्होंने दिखाया, आधार कार्ड दिखाएगा, पूरा परिवार यहाँ पे है, सब कुछ है, चीजें वोट भी डालते हैं, लेकिन अगर अयोध्या वासियों के साथ ये हो रहा है, और खासकर अयोध्या धाम तो बन रहा है, लेकिन भगवान उनका होता है जो गरीब का होता है, गरीब के होता है भगवान, उनका होता है जो गरीब का होता है, लेकिन भगवान कैसे रहेंगे साहब जब ऐसे लोगों पर अत्याचार होगा, ये अत्याचार ही कहेंगे, क्योंकि आप
समझ नहीं रहे कि ऐसा परिवार है, ऐसी जली हुई माता है। चलिए कम से कम एक लोग बच्चे लेके सो रहे थे, यहाँ पर भी नहीं रहने दिए, सामान लेके हुआ रखे थे, हुआ भगा दिए, बताइए पराक वाले भगा दिए, भागो जल्दी से। यानी कोई भी भगा दे रहा है, सब भगा दे रहे हैं। यहाँ लाद के लिए यहाँ आए पुलिस वाले, बाबा को गाली देने लगे, बोले की जल्दी निकाल वो। और इधर तो सरकार परेशान किया हुआ, इधर लोगों का जमीन है आज साइड में, वो सब गाली देता है रहने नहीं, वो उसको और ज्यादा दिक्कत होता है, रहता है सरकार के जमीन में और साइड वाले को दिक्कत होता है। बहुत क्या करें। तो ये देखिए एक परिवार है और आज आपको ये दुर्दशा दिखा रहा हूँ। आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं, बस इतनी अपील है अगर ये वीडियो किसी भी प्रशासन या किसी भी जनता जनार्दन के मन में आए तो हमारी एक बात साहब ध्यान में रखिएगा कि भगवान का वो कैसे होगा जो गरीब का नहीं होगा। तो गरीबों की सुनिए और इस परिवार की मदद कीजिए। अगर आप अयोध्या धाम से अगल बगल भी जा रहे हैं तो बगल में एक परिवार दिखेगा, मंदिर भी दिखा दीजिए, इस परिवार की मदद कीजिए। अगर जो भी अधिकारी देख रहे हैं, बस इतनी हाथ जोड़ के विनती है इन परिवार के लिए, क्योंकि ये लोग संत समाज के लोग हैं, ये लोग वो लोग हैं जो राम मंदिर की पूजा करते हैं, ये लोग वो लोग हैं जो राम की सेवा करते हैं। अब बताइए राम ही खुश नहीं होंगे जब ऐसी चीजें होंगी। राम की सेवा के लिए हम सारा संसार छोड़ करके यहाँ आ गया, हम लोग भगवान जीव के सेवा करेंगे, मेहनत करेंगे, यहाँ पर राम शरण में रहेंगे। राम ने इस पर मंदिर बनवाया, मंदिर के तो निर्माण किया, गाछ लगाया, वो गाछ पर रहते समय में निकाल कर फेंका, हम लोग भगा दिया, मढ़ा तोड़ दिया।